अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, अजीज़ों, तनवीर सिद्दीकी का पुरखुल सलाम कबूल हो। आज हम ये मिसेस मिर्ज़ा के पास आए हुए हैं। इन्होंने CBC में जो है फ्लावर शो में हिस्सा लिया है और इनके आप कैक्टस देखें और इनको इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप कैसी हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। तो आपका ये शौक़ कब से है? ये देखिए, ये शौक मेरा 28 साल पहले शुरू हुआ है। 28 साल पहले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो बंगला मिला था वो 4000 गज का था। अच्छा। जिसके ऊपर 500 गज का एरिया कवर्ड था और बाकी खुला था, तो मुझको शौक हुआ कि यहाँ पे गार्डनिंग होनी चाहिए। अच्छा। तो गार्डनिंग करी, उसके बाद जब मैंने देखा कि पानी देना मुश्किल हो गया, तो फिर मैंने आम पौधे छोड़ के और कैक्टस की तवज्जो दी कि इसमें पानी ना भी दो तो चलता रहता है। जी, ये बड़ा जो है। जी जी, चलता रहता है पौधा। तो कैक्टस का मुझे शौक जब से हुआ है, तकरीबन 28 साल से मैंने काम किया है। अच्छा, माशाल्लाह, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 80 साल है। 80 साल, माशाल्लाह जी। तो ये जो आपने ये लगाया भाई, ये इसको कितना अर्सा हो गया होगा? ये तकरीबन इसको भी 15-16 साल तो होगा। 15-16 साल हो गए। जी जी, 15-16 साल में इतना बड़ा हुआ ये। जी जी जी। अच्छा अच्छा, तो नाम क्या है इसका? इसका ग्रेसोनिया, ग्रेसोनिया भी कहते हैं, बैरल कैक्टस भी कहते हैं, गोल्डन बैरल भी कहते हैं। अच्छा, और बताइए कुछ इसके बारे में, कौन कौन से कैक्टस आपने लगाए हैं, इनके बारे में बताइए। इनके बारे में यही बताना चाहती हूँ कि इसको पानी, लोग आम ख्याल ये है कि पानी ना दो। अच्छा। लेकिन ये गलत ख्याल है, हर पौधा बगैर पानी के नशोनुमा नहीं पकड़ता। पानी दे तो खुश्क हो जाए कैक्टस, और इतना पानी दे कि ऊपर डाले तो नीचे से निकल जाए। अच्छा। उसके बाद आप जब तक खुश्क नहीं होता दोबारा नहीं डालेंगे, चाहे 8 दिन में खुश्क हो या 4 दिन में खुश्क हो। अब ये डिपेंड करता है हवा के तनासुब पे। ह्यूमिडिटी अगर कम है तो पानी ज्यादा डलेगा, और अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जैसे बरसात का मौसम है, उसके अंदर अवॉइड करें पानी डालना। अच्छा। और खाद ये हर किस्म से चल जाता है। आजकल तो बहुत चीजें आ गई हैं केमिकल, लेकिन इसमें आम खाद मिट्टी भी होगी ना। जी जी। तो वो भी चल जाएगा, कंपोस्ट वगैरह हर एक में चल जाता है ये। अच्छा, तो किस मौसम में इसकी कटिंग लगाए या इसको इसकी ग्रोथ होती है? अच्छा, देखिए लोग मुझसे पूछते हैं किस महीने में किस मौसम में। देखिए, ह्यूमिडिटी की रेशियो पर डिपेंड करता है। अच्छा। द लेसर द ह्यूमिडिटी द मोर द चांस ऑफ सक्सेसफुल कटिंग। ठीक है, ह्यूमिडिटी को देखते रहिए, अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो फिर पौधा कामयाब नहीं, कटिंग कामयाब नहीं होगी। अच्छा अच्छा। और अगर कम है तो हो जाएगी। अब जैसे मई जून का महीना है, अक्टूबर का है, फरवरी का है, इसमें आमतौर पर ह्यूमिडिटी कम होती है। जी। लेकिन अभी तो सीजन क्लाइमेट चेंज हो गई है, तो जो पहले ह्यूमिडिटी की कम होती थी उतनी कम अब नहीं होती। सही। फिर भी बरसात के मौसम में कभी कोशिश ना करें कि लगाएं, क्योंकि वो तो नहीं होगा आपका काम, फिर सर्वाइव नहीं करेगा ये। सर्वाइव नहीं करेगा वो, कटिंग जो है जड़ नहीं आएगी। अच्छा, सीसील के अंदर ये। अच्छा, ये जो है इसकी, तो फिर इसमें क्या बल्ब निकलते हैं, क्या होता है इसके, किस तरह से इसको? इसके बीज होते हैं ना, इसके बीज होते हैं। बल्ब नहीं आते इसमें, इसमें बीज होते हैं, वो बीज को आप बोए, उसका बीज को बोना भी हर एक के बस का नहीं है। सही बात है, कोशिश करती। माशाल्लाह, आपका तो बहुत तजर्बा है। हाँ। और ये भी किस तरह प्रोपेगेट होता है? ये भी ये तो देता है बच्चे, इसके ये देता है बच्चे। हाँ, इसके। अच्छा। हो जाते हैं। इसका क्या नाम है? इसका है फेरो है, वो विक्टोरिया है। विक्टोरिया। हाँ, ये भी माशाल्लाह काफी बड़ा आपका। हाँ, विक्टोरिया भी है ये भी। और ये वाला अगेव? ये अगेव है, इसका नाम मुझको नहीं पता, लेकिन ये अगेव ही है सारे। सही है। ये देखिए, इसका एक बच्चा ये बड़ा हो गया, ये इसी का बच्चा है। अच्छा अच्छा। थोड़ा बड़ा हो गया ये। जी जी। और ये आपने, ये स्नेक प्लांट है? स्नेक प्लांट है सेंसोवेरिया, ये भी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, अच्छा। ये भी मैंने लगाए हुए हैं काफी, इधर भी है इधर भी है। इसकी ये इसके तो नीचे से निकलते हैं। हाँ, ये बेबीज निकलते हैं। जी जी। और ये जो है करंचू? हाँ, करंचू है, ये भी इसके भी काफी बच्चे होते हैं इसके, और इसकी। अच्छा। कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कटिंग भी लगा सकते हैं। मगर वही बात है कि खुश्क मौसम के अंदर। खुश्क मौसम के अंदर। और आगे आपने कौन से लगाए हुए? आगे यही है, मुख्तलिफ है, अगेव की वैरायटी है सारी। मीटर सब अगेव की वैरायटी है, सबके नाम मुझको नहीं आते एक्चुअली, जिनके अगेव फिर भी सही है। ये अगेव है, ये सेंसोवेरिया, सारे सेंसोवेरिया है जो स्नेक प्लांट। काफी वैरायटी है सेंसोवेरिया की आपके पास मुख्तलिफ। जी जी जी। ये ककरौंदा, ये भी ककरौंदा है। ककरौंदा है, इसमें निकलते ककरौंदे या ऐसी नाम है इसका? नहीं, इसके इस जगह नहीं, ककरौंदा नहीं होता ये। अच्छा अच्छा, नाम है ये सेंसोवेरिया सारा है। जी, ये भी सेंसोवेरिया की देखें कितनी वैरायटी रखी हुई इन्होंने। और ये जो है, ये वो है एग्लोनीमा। एग्लोनीमा ये इंडोर प्लांट है, बाहर भी चल जाता है। अच्छा, इनको जो आपने ये कैक्टस है, इंडोर रख सकते हैं हम इसको? जी, आप इसको इंडोर रख सकते हैं, बशर्ते कि किसी खिड़की से या शीशे से थोड़ी धूप पड़ती हो। अच्छा। अगर बिल्कुल धूप नहीं पड़ेगी तो
मेरे घर जब भी नहीं लेकिन रौनक खत्म हो जाएगी। ये क्या हफ्ते में एक दफा इसको बाहर रख दे हम धूप में? हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हफ्ते में एक दफा रख दे इसको बाहर, धूप लगा दे एक दिन की, फिर अंदर रख दे, क्योंकि शीशे से या खिड़की से थोड़ी छोटी मामूली धूप थोड़ी देर को आए वो आनी चाहिए। अच्छा, वरना मैंने देखा कि अगर हम बाहर नहीं निकालते तो लैगी से हो जाते हैं, बिल्कुल पतले पतले से वो हो जाते हैं, रौनक खत्म हो जाती है, रौनक खत्म हो जाती है। सही है। और ये भी यूफोर्बिया है। यूफोर्बिया है, हाँ, ये कलर भी, ये स्पेशल पौधा है मेरा, ये तो हाँ, ये तो ये बोटा फर्स्ट टाइम देखा मैंने, ये कई साल पुराना है और चीज यही है। अच्छा, लेकिन ये क्योंकि 7-8 साल पुराना पौधा है, एक ही गमले में रहा तो ये इसकी खूबसूरती कुछ और ही हो गई है। जी जी, हालांकि यही है, लग नहीं रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा, पेंसिल कैक्टस भी बोलते हैं इसको? हाँ वो बोलते हैं। अच्छा, आम जबान में पेंसिल कैक्टस। और ये यूफोर्बिया भी? ये यूफोर्बिया अलग अलग कलर के जी। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने काफी मेहनत की भी। आपने ये छत पे रखे हुए हैं? कहाँ रखे हुए इतने पौधे? छत पे नहीं, घर के अंदर बाहर है, घर का बंगला है मेरा। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, उसमें कवर डेज कम बनाया है, 500 गज के बराबर। अच्छा अच्छा, तो बाकी पौधों से भरा हुआ है, पौधों से भरा हुआ है। हाँ, ये तो पूरी नर्सरी के आपने रखे हुए पौधे? इंडोर है सारे, मतलब ये सही, ये भी इंडोर है, ये बाहर रखते हैं हम लोग। अच्छा, इंडोर आराम से रख सकते हैं, रख सकते हैं इसको। क्या ड्रेसिना? ड्रेसिना और ये जो है ये रेलिया। क्या? रेलिया जी जी। अच्छा, इसकी और वैरायटी बहुत है मेरे पास, पर मैं लाई नहीं उस वक्त, एक ही है। सही है, ये सब रेलिया है, ये यूफोर्बिया है, ये यूफोर्बिया। अच्छा, कलर की है, कलर में ये सब यूफोर्बिया पूरा, यूफोर्बिया। ये ड्रायसिना है, अब ये इनके नाम मुझको पता नहीं कि क्या है, सबके अलग अलग वैरायटी अलग 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 है। और ये बनी ईयर? हाँ बनी ईयर इसमें कहते हैं, ये है वो ओपनशिया है, ये ओपनशिया जी जी, ओपनटिया भी लोग कहते हैं उसको। और ये अब ये सारे इनके नाम मुझको नहीं पता, एक्चुअली बता रही हूँ ना। काफी वैरायटी आपने रखी। अच्छा, ये मैमोलेरिया, मैमोलेरिया जी, ये भी मैमोलेरिया है। फ्लावर भी आ रहे हैं इसके अंदर जी? फ्लावर आते हैं, हर कैक्टस में फ्लावर जरूर आते हैं। तो ये किस सीजन में आते हैं भाई? अब इसका हमने गौर किया नहीं है, आते जाते रहते हैं ये। अच्छा, इनका अपना सीजन ड्राई सीजन होता है ना जी, जी। उसमें ज्यादा आएंगे। हाँ। और आम सीजन में शायद कम आएंगे। अच्छा, अच्छा। नोट नहीं किया इसको। सही है। और ये भी हाइब्रिड है, ये भी असल में एलोवेरा की किस्में है। एलोवेरा एलो की किस्में, हजार किस्म है एलो की। सही है, ये सब वही है, लेकिन इसका एग्जैक्ट नाम मुझको पता नहीं है। और ये हवर्तिया? हवर्तिया जी, हवर्तिया। अरे वो हवर्तिया स्पेशल है, वो व्हाइट वाला जो है ना, जेब्रा। अच्छा, जेब्रा। हाँ, वो महंगी वाली है, स्पेशल। अच्छा, है एक ये मुझे अलग से लग रहा है, ये जो पीछे आपने रॉ में रखे हैं हवर्तिया, ये हवर्तिया है ना ये, यहाँ ये स्पेशल हवर्तिया है, ये स्पेशल हवर्तिया ये सारा। अच्छा, ये मैंने लिया था पिछले साल, लेकिन असल में छत पे रखा तो इस वजह से तो खराब तो नहीं हुआ, लेकिन वो उसमें जान नहीं है, क्या वजह? ये साए में रहते हैं? साए में भी नहीं, इनके दरमियानी धूप है, दरमियानी धूप, ना छाव में पड़ेंगे ना धूप में पड़ेंगे। अच्छा, अगर दरमियानी हो तो वो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल आपका काम होगा। अच्छा, और ये मैडम ये आपने ग्राफ्ट? मैंने एक्चुअली ग्राफ्टेड है, लेकिन मैंने खुद ग्राफ्ट नहीं किया। अच्छा अच्छा, यही ग्राफ्टेड है। इसको तो ग्राफ्टेड के ये 2 साल में ये स्टेम इसका खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको रीग्राफ्ट करें या इसको रूटेड कर लें, ये रूटेड हो जाते हैं। अच्छा, रूटेड हो जाते हैं, बहुत से नहीं होते रूटेड। वो मून कैक्टस जो होते हैं, जो रेड और येलो वगैरह, वो नहीं होते, वो नहीं होते, वो नहीं होते, वो नहीं होते, ये हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। और असल में इस पे पौधा ज्यादा बढ़ता है, ग्राफ्ट के ऊपर ज्यादा तेजी से ग्रो होता है जी, और रूट पे अंदर जमीन के अंदर इतना नहीं ग्रो, जमीन में इतनी जल्दी। हाँ, यही देखा कि मैंने कि रूटेड है ना, तो जैसे वो 1 साल में बड़ा होगा तो ये 3 महीने बड़ा हो जाता है, इतना तो फर्क नहीं है, लेकिन टाइम कम लगता है। हाँ, टाइम कम लगता है इसमें, ज्यादा ग्रोथ ज्यादा होती है। अब देखिए माशाल्लाह ये कितना, ये जो है इसी के अंदर कम से कम 50 पौधे तो बन जाते हैं इसके। इसको तो तोड़ के आप लगा देंगे वैसे ही हो जाएगा ये। और ये आपने वो ये तो वो है मदर ऑफ थाउजेंड, ये तो मदर ऑफ थाउजेंड। इतने ज्यादा एक पौधा लगाएंगे तो आप तंग आ जाएंगे, ज्यादा बढ़ेंगे क्या? मैं तो फेंकती रहती हूँ इन पौधों को सारे। सही कह रहे हैं। ये कलमचो जो वो आपने वहाँ देखा है ना जी जी, अलग कलर में, ये उसी की वैरायटी है, वैरायटी अलग है। ये पेपर कैक्टस है, इसका नाम मुझे पूरा नहीं मालूम, लेकिन पेपर जरूर है। क्या नाम है? पेपर कैक्टस। पेपर कैक्टस है या समथिंग लाइक, कुछ और भी है पेपर के साथ, मैं भूल गई हूँ। अच्छा अच्छा, ये सेंसोवेरिया सारा वो स्नेक प्लांट कह सकते हैं, सेंसोवेरिया की वैरायटी। ये एलो की वैरायटी है ये वाली। अच्छा अच्छा, ये सब एलो की वैरायटीज है सारी। ये पता नहीं क्या, ये भी ऐसी कोई बेल है,
ये सारे आम कैक्टस है सारे, ये जो जंगल में होते हैं ये वो हैं। अच्छा अच्छा, नहीं माशाल्लाह आपके पास काफ़ी वैरायटी है। तो आपने देखा ये मिसेस मिर्ज़ा ने कितने खूबसूरत जो है ये देखे कैक्टस का, इन्होंने इनके पास वैरायटी है और इन्होंने काफ़ी लगाए हुए माशाल्लाह से। थैंक यू मैडम, थैंक यू, इंशाल्लाह तो ये आप व्हाट्सएप कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना भी कार्ड।